सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जिसका नाम है मिस्टर जेंटलमैन व्लॉग्स। और फाइनली वो दिन आ ही गया, हम जा रहे हैं हमारी सबसे पसंदीदा जगह जो है लद्दाख। बाई फ्लाइट जा रहे हैं, बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हम लोग को जाने की। 10-12 दिन मिले ही जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या कुछ करते हैं और क्या नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, सिमे और अर्शी दी जा रहे हैं और कोई नहीं है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आपको ये वाला वीडियो बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। अर्शो बी रेडी फॉर द फुल ऑन एंजॉयमेंट, फाइनली बाइक राइड करने वाले अपन। सो फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हो, देख सकते हो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 10 मिनट हम लोग ने इतनी प्लान किए, बहुत बहुत ज़्यादा अनप्लान ट्रिप है। सारी ट्रेन बुक थी, कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। हम लोग ने बहुत हाई रेट्स देके ट्रेन बुक किया है और हमको जाना पड़ा। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और ये मेरा ब्लॉग सबसे बेस्ट ब्लॉग रहा, तुम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना तुमको ये ब्लॉग कैसा लगा। वॉशरूम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, बहुत स्पेशल रूम है। और यहाँ के वुडन से देख लो यार, बहुत बहुत प्यारी रूम है। फ्रेश हुए,
बहुत थक गए थे, नहा धो के एकदम फ्रेश अप लग रहा है, बहुत भूख लगी। इसके लिए अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, अगर कोई अच्छी कोई चीज़ यूनिक रहेगी तो वो ले लेंगे। ताकि बहुत बहुत ले का मेन मार्केट है, ले का मेन मार्केट है, और ब्यूटी तो तुम देख ही सकते हो यार, क्या यार क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, सच में बोल रहा हूँ। आज तो पहला दिन है, सही बात है, चलो गाइस। मार्केट है, देख सकते हो बहुत बहुत प्रीटी मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आलू पराठे रिद्धि, आलू पराठे और वन बीटा भी है, ऋतिक रोशन से मंगाया था। तो अभी दूसरा डे है हमारा, अभी हम यहाँ पे जो लोकल साइट सीन है वो सब करने वाले हैं, देखते हैं अभी क्या है, कोई टेंपल जाने वाले, मार्केट विकेट वो सब भी कवर अप कर लेंगे, बहुत सारी लोकल साइट सीन है वो आज कवर अप करेंगे। ऊपर आ गए बहुत पहाड़ों पे, एक मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, तो देखने को आए, तुमको बताता हूँ कैसे, चलो। ऊपर आ चुके हैं, अंदर हम जाके आए, बहुत बहुत ज़्यादा पीस है,
इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है ना अंदर जाके, अंदर जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं, इसके लिए मैंने अंदर का वीडियो लिया नहीं। बहुत बहुत वीडियो मिले से तुमको यहाँ का व्यू बताता हूँ ना, जब ये देखो क्या व्यू है, मज़ा आ जाए, सुकून है यहाँ पे। अभी हम संगम वैली आ चुके हैं, बहुत प्रीटी जगह है। यहाँ पे दो रिवर जो है आपस में मिलती है, बहुत 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 प्रीटी भी है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है पर एक्चुअली हमको करनी नहीं है, हम थक गए रिवर राफ्टिंग कर करके, इसके लिए हम ये टाइम रिवर राफ्टिंग नहीं करने वाले, बस यहाँ का व्यू का एंजॉय ले एंजॉय करने वाले। मुझे मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, मेरे को तो यही चाहिए था मुंबई में, चिक 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 चिक, तो बहुत शांति है। आज सिर्फ दूसरा दिन है, आज और भी बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन है अभी, कोई रिटर्न का कोई अता पता नहीं है। सो अभी हम आए हैं डर्ट बाइक करने, जा जाके चलो। तू आगे भाग रहा है, चलो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, ओह माय गॉड, मैं एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, सुपर फन। हाय गाइस, सो अभी हम मैग्नेटिक हिल पे, यहाँ का एक मिस्ट्री है तुमको बताता हूँ मैं, जो गाड़ी रहती है ना वो ऑटोमेटिकली पीछे खींचती है यहाँ पे, देखो ये गाड़ी बंद है, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है इसमें, तो भी पीछे खींच रही है, इसको मैग्नेटिक हिल का नाम दिया है, ऑटोमेटिकली पीछे जा रही, देखो गाड़ी, सही में है ही नहीं इसमें चाबी, ये देखो देखो चाबी, देख गाड़ी चल रही है, ठीक है, बहुत 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 सही व्यू है यार, गुरुद्वारा भी जाके आए, वहाँ पे भी फोटोग्राफी वो सब अलाउड नहीं था, इसके लिए वहाँ का भी वीडियो नहीं लिया, आई होप सो अभी यहाँ का वीडियोग्राफी अलाउड रहेगा, देखते पहले सो बहुत ही बड़ा है, देखते उसके अंदर जाके क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं।
बट बहुत ठंड लगे अंदर। ऑक्सीजन छोड़ के सब है यहाँ पे। सही बात है, सांस लेने को सही में बहुत तकलीफ हो रही है। मर जाऊंगा इधर। लग गया मेरे को गाइस इधर। प्लीज माइंड योर हेड। सही बात है। खत्म ही नहीं हो रहा है ये। बराबर। ये मंदिर है यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं हो सकता। लिखा है प्लीज रूम में आना चाहिए फोटोग्राफी से। बहुत प्यारी प्लेस है गाइस। प्लेस का नाम क्या है? शांति स्तूपा। शांति स्तूपा है। डे टू का आज लास्ट डेस्टिनेशन है। बहुत थक गए देख सकते हो। मर गए। चल चल के चल चल के। सही बात है, हर जगह पीस तो मिल रहा है पर पीस ये जगह पे शांति क्यों है मालूम है? क्योंकि यहाँ पे रिद्धि नहीं है। यहाँ पे सब जगह इतनी ऊपर क्यों है यार? बहुत ऊपर है यार। अबे कुत्ता देख। ये देखो कितनी प्रीटी प्लेस है। डॉगी चले उधर नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है। भाई देख क्या लिखा है, कोई मुझे बता देगा ना तो मैं उनको कुछ प्राइस दूंगा। वाह मेरे को तो लगता है आसमानों को सिर्फ लद्दाख से ही प्यार है। हाँ यार उधर सोनपत ही रहती है देखो गाइस। और उधर चलो आज का ही लास्ट है, फिर कल डे 3 स्टार्ट होगा जो कि इससे भी बहुत बढ़िया होने वाला है। पीसीबी से यहाँ पे फीट ऊपर है हम। हवा ही हवा। ऑक्सीजन लेना। निश्चित आएगा तो मर जाएगा। चढ़ ही नहीं पाएगा पागल। देखो यार व्यू देखो यार। तो गाइस हवा टाइट हो गई है इसकी। क्या हो रहा है भारी लग रहा है।
नहीं मिली मेरे को। आठ लग चुकी पहाड़ पे आके मजा आ रहा है। मजा तो बता रहे लेकिन सजा भी हो गई है। आज डे थ्री है। बहुत ठंडे हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। नुब्रा वैली जाने के पहले हमने एक जगह पे हॉल्ट लिया है और बहुत बड़ा था। हमारे ड्राइवर है मूसा भाई, जो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। बहुत मतलब बहुत हमारे कैसा लग रहा है? मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि हम पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप पीक पे खड़े हैं। दुनिया की ऊंचाई पे भी अपन साथ आए। सांस लेने को प्रॉब्लम हो रही है? सो गाइस, वर्ल्ड के सबसे टॉप पीक पे है, ऊपर भी आ गए अपन दोनों साथ में। बहुत मजा आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है पर अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा दस मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, हमको बस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सबको ही हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल है, ये सारे पहाड़ छोटे हैं इसके सामने, सब पहाड़ छोटे हैं, हम ऊपर आसमान नीचे। गाइस, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलने को भी बहुत बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कैफे भी है, आपको दिखाना होगा। मतलब यहाँ पे हम 10-15 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑक्सीजन लेने को। बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटी है यार, मतलब लाइफ में अगर जिंदा हो एक ना एक बार लद्दाख की ट्रिप ज़रूर करना। अगर लद्दाख की ट्रिप नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं किया। Thank you.
कोबरा वैली की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में व्यू दिख गया, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है यार गाइस। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे, चिल करेंगे, मज़ा लेंगे व्यू का, और फुल ऑन फुल तुमको भी वीडियो में मज़े देंगे। तुम लोग देखोगे तो बहुत खुश होने वाले हो, बहुत बहुत अच्छी व्यू है। देखो फाइनली नीचे उतर चुके हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स क्लिक करेंगे फिर निकलेंगे। कैसा लग रहा है? ये छोटा बच्चा घूम गया है किसी का गाइस, इसके पेरेंट्स मिले तो बताओ। वो छोटे बच्चे तो बॉम्बे की किसी लाइफ छोड़ के हम आ चुके लद्दाख। बहुत 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 ज़्यादा सुकून है यार यहाँ पे, मतलब तुम पानियों का आवाज़ सुन रहे हो, मेरा आवाज़ भी कम पड़ता रहेगा लहरों के सामने। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, और यार इतना एंजॉय कर रहे ना तुम, क्या बताओ यार। बहुत देख यहाँ पे गाइस, जब भी तुम ले आओ लद्दाख आओ तो मूसा भाई के पास ही आना, इनकी ड्राइविंग बहुत 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 बढ़िया है। मतलब इतने हैवी ड्राइवर मैंने कभी नहीं देखा है, बहुत सही ड्राइविंग है। बहुत छोटे रोड है लद्दाख के, ये टू वे है, ये टू वे है। Yeah, yeah, yeah.
बहुत बड़ी मूर्ति है यार, 110 फीट। सो फाइनली 6 घंटे के सफर के बाद हम नुब्रा वैली पहुँच गए। बहुत सही जगह है और यहाँ पे नुब्रा वैली में हमने एक कैंप डिसाइड किया है। वहाँ पे हमारा स्टे है, उसका नाम है, क्या नाम है, रॉयल राइडर्स। और उनको मैं कैंप बताता हूँ, बहुत मस्त है। Different experience. गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज चुके, बहुत ठंडा लग रही है, बहुत। हम आए अभी सैंडोर, क्या बोलते हैं, सैंड्यूर में आए हैं। बहुत प्रीटी प्लेस है, वहाँ पे एकदम ब्रीज है, पानी है और पूरी तरह सैंड ही सैंड है, ऐसा समझ सकते हो छोटा रेगिस्तान। अगर दुबई वाली फील सी है छोटी दुबई, तो आप इधर आ सकते हो, बहुत मस्त। यहाँ पे सब कुछ है, ग्रीनरी, पानी, सैंड, माउंटेन्स है। वाव, परफेक्ट लोकेशन है ये, बहुत प्रीटी प्लेस है। चलो लेट्स एंजॉय। गाड़ी अटक गई है गाइस, बहुत डिफिकल्ट टास्क भैया के लिए। रिवर क्रॉसिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, आराम आराम से जाना पड़ेगा। लेट्स सी जा पाते कि नहीं। निकल दिया है।
गाइस हम वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पीक पे हैं। कैसा लग रहा है? पट्टी पड़ी है पीछे की। सही में सांस लेने को बहुत तकलीफ हो रही है गाइस। इतना कि क्या बोलूँ, मेरे को ऑक्सीजन पंप लेने की जरूरत पड़ेगी। सही में जो अस्थम पेशेंट रहेगा, जो मरीज रहेगा, वो कभी आना नहीं इधर। यहाँ का रास्ता कैसा है? रास्ता मैं वीडियो में डालूंगा, तुमको बताऊंगा, तुम देख के हैरान हो जाओगे। उधर उधर ढोलते ही रहते नहीं भाई। और बाइकर्स लोग को तो सलूट है, और अपने ग्रुप में से तो मैं चैलेंज देता हूँ, अगर वो कर दिया इधर तक, हिरेन विशाल जय कोई भी कर दिया बाइकर्स लोग, मैं उनकी ट्रिप स्पॉन्सर करूँगा। पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करूँगा मैं, पूरी ट्रिप। अरे तुम इधर करके बताओ। हाँ पड़ गई है। फाइनली 6 बजे निकले थे, अभी 3 बज चुके हैं। साढ़े तीन बज चुके हैं। 9.5 घंटे की जर्नी हो गई है। इनको क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, जो भी हो सच बोलूँगा मैं, ऐसी टट्टी जगह के लिए हम लोग ने 9.5 घंटे वेस्ट किए। और यहाँ पे 3 डेज की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, और ये सिर्फ ये देखने के लिए हम लोग 9.5 घंटे वेस्ट किए, जो कि थोड़ा भी वर्थ नहीं है। दूसरा रास्ता था वो बंद है। सारे टूरिस्ट, मेरे को तो लगता है कि सारे टूरिस्ट कंटाल गए रहेंगे, क्योंकि जो रोड है ना, तुम आओगे ना, मैं तो सजेस्ट करूँगा लाइफ में कभी मत आना गाइस। मतलब अच्छी जगह रास्ते पे बहुत है, टट्टी जगह, उससे बेटर तो भाई मैं बोरीवली नेशनल पार्क चले जाऊँ। सही में ये तो बहुत नहीं यार, ऐसी जगह के लिए तो ना ही आऊँ। सही में 9.5 घंटे वेस्ट किए, परेशान हो गए यार, बहुत परेशान हो गए, हालत बहुत, सांस लेने को प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को एक टाइम पे तो। और मैं तो हाथ जोड़ता हूँ तुम सबका कि जो भी जैन लोग हैं ना, जैन वो तो ये ले में आना ही नहीं, क्योंकि उनका काम है ही नहीं। प्लीज बोल रहा हूँ मैं, और यही जगह पे तो आना ही नहीं। अभी नहीं बोलेगा, व्यू का एंजॉय लो। क्या है? पेंगोन है, पेंगोन ने गॉन कर दिया है, क्या बोलूँ अभी मैं। और मैं तो थोड़ा भी नहीं बोलूँगा कि व्यू का एंजॉयमेंट करो। व्यू देखो यार, क्या व्यू, 9.5 घंटे के व्यू के लिए मैंने वेस्ट किए क्या? कोई नहीं, अभी बहुत दिन बचे अपने, टेंशन मत ले। वेस्ट है यार गाइस, वेस्ट है, लिटरली वेस्ट है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये जगह पे तुम आना ही नहीं, अगर आओगे भी तो एक दिन के लिए इधर स्टे करना, मैं तो वही बोलूँगा, दूसरा कुछ नहीं। स्टे करने के लिए भी 9 घंटा नहीं डालना चाहिए। भैया आपने बहुत अच्छे से हमको सफ़र कराया, बहुत मज़ा आया आपके साथ।
अभी जब भी कभी हमारे फ्रेंड्स लोग आएंगे तो मैं आपका एक कॉन्टेक्ट देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लगा हमारे साथ? बहुत मज़ा आया, अच्छा एंजॉय किया हमने। ठीक है चलो बाय। तुम लोग ने हम लोग का रूम तो देख ही लिया रहेगा, पर तुम लोग को ये जो प्लेस लोकेटेड है वो पूरा प्लेस का मैं तुमको वीडियो शूट करके बता रहा हूँ, कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। आ जाओ, ये बाइक बहुत मस्त प्लेस है। ये है एकदम होम थिएटर व्यू जो बहुत मज़ा आता है। और ये हमारे छोटू भैया है जो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब बहुत बहुत प्यारे हैं छोटू भैया। और यहाँ पे ओनर का रूम है, ओनर रहते हैं यहाँ का, बहुत बहुत ब्यूटी रूम है। कितना प्रीटी है, बहुत बहुत बड़े फर्स्ट फ्लोर का रूम है हमारा। फर्स्ट फ्लोर का भी स्टे था, फर्स्ट फ्लोर पे का ये रूम था हमारा 104 रूम था हमारा। और उसके बाद कुछ अलग व्यू है, अलग रूम है, बहुत प्रीम है, पैसे थक जाते हैं। और ये है फाइनल व्यू बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो। और ये हमारा रूम है, बहुत बहुत प्रीटी है गाइस, बहुत प्रीटी है। और जब भी तुम लद्दाख आओगे तो हम लोग को कॉन्टैक्ट करना, हम लोग तुमको किससे कॉन्टैक्ट करना लद्दाख में, कौन से ड्राइवर से तुमको जाना है, किसके साथ जाना है, वो सब डिटेल विदाउट एनी चार्जेस मैं तुमको दूंगा। बाय।